Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. In our previous class, we were revised some question answers of chapter 6 of our computer book. And the remaining question answers of chapter 6, we will revise today. So who are not completed their question answers of chapter 6 till now, watch this video and complete the answers of chapter 6. Okay, so all my dear students, please open your computer book in page number 55 and keep your pencil and eraser with you and write the answers with me. Okay, jin bachcho ne abhi tak hamari computer book ka chapter 5 ke question answers write nahi kiye hain, wo ye video dekhkar acche se answers ko write karenge aur apni computer book ka chapter 5 complete karenge. ओके, इन पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर ए हमने पिछले वीडियो में कर लिया है. अब क्वेश्चन नंबर बी को हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है राइट टी ट्रू और फॉर एफ फॉल्स इन द बॉक्स. यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस लिखे हैं. अगर वो सेंटेंस सही लिखे हुए हैं तो आप बॉक्स में टी राइट करेंगे, और अगर वो गलत लिखे हुए हैं तो उसके बॉक्स में हम एफ राइट करेंगे. टी मतलब ट्रू और एफ मीन्स फॉल्स. तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है एमएस वर्ड इज used for drawing and painting pictures. जो MS Word होता है उसका यूज हम ड्रॉइंग बनाने के लिए और पेंटिंग बनाने के लिए, पिक्चर्स बनाने के लिए करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है. तो MS Word का यूज हम टाइपिंग करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो MS Word है वो हमारा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है जिसका यूज हम टाइपिंग करने के लिए करते हैं, और पेंटिंग और ड्रॉइंग बनाने के लिए हम पेंट प्रोग्राम का यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो लिखा है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम बॉक्स में एफ राइट करेंगे. सेकेंड लिखा हुआ है द रिबन हैज टू पार्ट्स टैप्स एंड ग्रुप्स. यस, इट इज 100% करेक्ट. जो रिबन होती है उसके टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट टैप होता है और सेकेंड ग्रुप्स होता है. तो यह सही है, बिल्कुल सही है, इसलिए हम यहाँ पर बॉक्स में टी राइट करेंगे. ओके, थर्ड लिखा है ए वर्ड प्रोसेसर ऑलो टू करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर. यस, जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसमें एक सेटिंग होती है जिसके द्वारा हम जो भी टाइप करते हैं उसकी स्पेलिंग और ग्रामर करेक्ट कर सकते हैं. तो ये सही है, इसलिए हम यहाँ पर टी राइट करेंगे. फोर्थ लिखा हुआ है वी कांट एड और रिमूव आइकॉन इन क्विक एक्सेस टूल बार. तो जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है उस पर हम जो भी आइकॉन्स एड करना चाहते हैं, मतलब जोड़ना चाहते हैं या उसमें से हटाना चाहते हैं, वो हम नहीं कर सकते सब. तो ये बिल्कुल गलत लिखा है, हमेशा कर सकते हैं. कोई सा भी जो आइकॉन हमको लाना है, कोई सा भी शॉर्टकट कमांड का लाना है, वो हम ला भी सकते हैं और वहाँ से हटा भी सकते हैं. पर यहाँ पे लिखा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, जो कि गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बॉक्स में एफ राइट करेंगे. नेक्स्ट लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज ऑन द बॉटम साइड ऑफ द वर्ड विंडो. यस, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है वो हमारी वर्ड विंडो के नीचे, बॉटम मतलब नीचे की ओर होती है. तो ये सही लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बॉक्स में टी राइट कर देंगे. ठीक है, फर्स्ट में एफ, सेकंड में टी, थर्ड में टी, फोर्थ में एफ एंड फिफ्थ में टी लिखना है आपको. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 56. इन पेज नंबर 56 ए वर्ड प्रोसेसर, क्वेश्चन नंबर सी लिखा हुआ है आपको फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है अच्छे से. फर्स्ट वाले में लिखा है ए वर्ड प्रोसेसर इज ए प्रोग्राम. तो जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो कैसा प्रोग्राम होता है? तो जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है. तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में सॉफ्टवेयर, एस ओ एफ टी डब्ल्यू ए आर ई. ओके, एस ओ एफ टी W A R E, सॉफ्टवेयर. सेकेंड है ए वर्ड प्रोसेसर इज यूज टू क्रिएट. जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसका यूज हम क्रिएट करने के लिए करते हैं. क्या क्रिएट करने के लिए करते हैं? तो वो करते हैं हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए. ठीक है, तो यहां पे हम राइट करेंगे डॉक्यूमेंट, D O C U M E N T, डॉक्यूमेंट. ओके, थर्ड लिखा हुआ है टू स्टार्ट एमएस वर्ड फर्स्ट क्लिक ऑन बटन. तो जो भी हम एमएस वर्ड ओपन करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट में हम कौन से बटन पर क्लिक करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए? तो सबसे फर्स्ट में हमने पता है कि हम एमएस वर्ड स्टार्ट करने की, ओपन करने की हम आपको स्टेप फर्स्ट है होती है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन.
तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, स्टार्ट बटन, क्योंकि हमको अगर एमएस वर्ड ओपन करना है, स्टार्ट करना है, तो सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट वाले फ्री इंडल ब्लैक्स में हम राइट करेंगे स्टार्ट, START। ओके, नाउ फोर्थ लिखा हुआ है द क्विक एक्सेस टूल बार इज यूज टू प्रोवाइड ऑफ फ्यू कॉमनली यूज कमांड्स। जो क्विक एक्सेस टूल बार होती है वो हमें जो ज़्यादातर यूज होती है कमांड उसका शॉर्टकट उस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, शॉर्टकट्स, SHORTCUTS। ओके, SHORTCUTS, शॉर्टकट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स और टिप्स इधर लिखे हुए हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन उसके सामने लिखा हुआ है, तो आपको सही से इसको मैच करना है। तो फर्स्ट वाले में आपको लिखा है फाइल टिप। अब फाइल टिप क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे, तो हमने इसको पहले भी कर चुके हैं तो इसको समझेंगे हम ध्यान से। फाइल टिप क्या होती है, द वर्ड मेनू अपीयर। तो फाइल टिप में आपके जो भी वर्ड के जो मेनू होते हैं वो हमको फाइल टिप में उसको देख सकते हैं। सेकेंड लिखा है टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या होती है, तो टाइटल बार होती है अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जो हमारी विंडो होती है, स्क्रीन होती है, उसके सबसे ऊपर, टॉप मतलब सबसे ऊपर की ओर हमें टाइटल बार दिखाई देती है, वहां पर हमको मिलती है। उसके बाद थर्ड लिखा हुआ है रूलर। अब रूलर क्या होता है, तो शो विड्थ एंड मार्जिन। जो रूलर बार होती है उसमें हम हमारी स्क्रीन जो भी होती है उसकी जो विड्थ और मार्जिन है हम वहां पर देख सकते हैं, वो आपको ये मार्जिन ऑफ विड्थ दिखाती है। फिर नेक्स्ट लिखा है डॉक्यूमेंट विंडो। अब डॉक्यूमेंट विंडो क्या होती है, तो वेयर वी टाइप टेक्स्ट, जहाँ पर हम हमारा टाइपिंग वर्क करते हैं, जो भी हमको स्पेलिंग टाइप करना है, ऐसे निबंध, पोयम, स्टोरी, जो भी हमको राइट करना है, क्वेश्चन आंसर, जहाँ पर हम टाइप करते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट विंडो होती है। उसके बाद लास्ट में लिखा है इंसर्शन पॉइंट। अब इंसर्शन पॉइंट मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसको हम एक और इसका नेम होता है कर्सर, ए ब्लिंकिंग लाइन, ठीक है, इंसर्शन पॉइंट बोल सकते हैं, कर्सर बोल सकते हैं, या फिर ए ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर फाइव हम ए ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन के बाद नंबर फाइव राइट करेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई लिखा है आपको, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका आंसर केवल वन वर्ड में देना है, मतलब छोटा सा आंसर आपको राइट करना है। फर्स्ट लिखा है व्हाट इज ए वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 53 पर टिक करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन के बाद पेज नंबर 53 लिख दिया है। तो आप भी क्वेश्चन के बाद ऐसे पेज नंबर 53 लाइट कर देंगे और पेज नंबर 53 पर इसको टिक कर लेंगे। तो पेज नंबर 53 पर आपको ये जो क्विक रिव्यू का जो बॉक्स है, इसका जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो आपको यहाँ पर टिक करना है। ए वर्ड प्रोसेसर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट, स्टोर डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। ये आपका आंसर नंबर वन, यहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है गिव नेम ऑफ एनी टू वर्ड प्रोसेसर। यहाँ पे आपको किसी भी टू वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम्स के नेम राइट करना है। तो हमने फर्स्ट में लिखा हुआ है एमएस वर्ड। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के बाद में टू पॉइंट लिखना है, एमएस वर्ड फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड नॉट पैड, NOTEPAD, नॉट पैड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एनी थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड 2010। आपको एमएस वर्ड 2010 के किसी भी थ्री कॉम्पोनेंट्स के नेम राइट करना है। इसको हमने पेज नंबर 47 पर टिक कर रखा है, तो आप भी क्वेश्चन के बाद पेज नंबर 47 राइट करेंगे और पेज नंबर 47 पर इसको टिक करेंगे। इन पेज नंबर 47 आपको कंपोनेंट्स के नेम यहां पर आप देखेंगे। आंसर नंबर थ्री के लिए आप कोई से भी लिख सकते हैं, टेप्स लिख सकते हैं, टाइटल वाला लिख सकते हैं, रिबन लिख सकते हैं, ये जो बहुत सारे आपको बॉक्सेस दे रखे हैं इसमें से किसी भी थ्री को आप इसमें टिक कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स के आपको इसमें बॉक्स के अंदर नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने जैसे टेप्स पर टिक किया है, टाइटल बार पर टिक किया है और रिबन पर टिक किया है, ऐसे आप ये तीनों को टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वॉट इज ए रिबन। अब रिबन क्या होती है उसका आपको बताना है, तो इसको हमने पेज नंबर 48 पर टिक कर रखा है, तो आप पेज नंबर 48 यहाँ पर राइट करेंगे और पेज नंबर 48 निकाल कर वहाँ पे इसका आंसर टिक करेंगे। तो पेज नंबर 48 मैंने ओपन कर रखा है, इस पर यहाँ पर लिखा आपको रिबन, तो यहीं से आप टिक करेंगे। रिबन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टाइटल बार। रिबन हैज कमांड्स,
यू कैन यूज रिबन टू वर्क इन एमएस वर्ड 10। आपको यहां था 10 तक, इस आंसर नंबर 4 के लिए टिक करना रिबन से लेकर वर्ड 10 तक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ जो आंसर द फॉलोइंग, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। आपको यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स बताने 3, जिसको हमने पेज नंबर 46 पर टिक कर रखा है। तो आप क्वेश्चन के बाद पेज नंबर 46 राइट करेंगे और यहाँ पे हमने फीचर्स पेज नंबर 46 पर यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, जो लिखा है आपको फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर, इसके आपको 3 पॉइंट्स टिक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे से जो 3 पॉइंट्स है, इट ओलो, ये आपको जो 3 मैंने आपको टिक कर रखा है, यहाँ से लास्ट के 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे आंसर नंबर 1 के लिए टिक कर लेंगे। ओके, ये आंसर नंबर 1 किसका है, क्वेश्चन नंबर ई का है, तो हम यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं। तो ई का फर्स्ट आंसर हमने पेज नंबर 46 पर यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट पूरे टिक कर लिए। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द स्टेप्स टू ओपन एमएस वर्ड 2010। अब एमएस वर्ड 2010 ओपन करने के लिए क्या स्टेप्स होती है वो आपको बताना है। तो इसको हमने पेज नंबर 46 पर टिक कर रखा है, तो आप क्वेश्चन के बाद पेज नंबर 46 राइट करेंगे और ये पेज नंबर 46 पर आपको स्टेप्स यहाँ पे आपको दिख रही है। स्टेप है यहाँ पे टू स्टार्ट एमएस वर्ड 2010, फॉलो दिस स्टेप्स, स्टेप 1 पूरा, स्टेप 2 पूरा और स्टेप 3 पूरा। ओके, तो जैसे आप यहां से एमएस वर्ड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रॉल बार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार्स आर प्रेजेंट इन ए विंडो। यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार का रोल क्या होता है वो बताना है और कितने टाइप्स की स्क्रॉल बार आपकी विंडो पर होती है वो भी बताना है। तो इसको हमने पेज नंबर 49 पर टिक कर रखा है, तो आप क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 49 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद राइट करेंगे और 49 पेज पर इसको टिक करेंगे। तो ये पेज नंबर 49 हमने ओपन कर लिया है, इसमें आपको स्क्रॉल बार के बारे में बताना है। स्क्रॉल बार इज ए लॉन्ग थिन स्ट्रिप विथ एरोस एंड ए स्लाइडिंग सेक्शन एट द एज ऑफ द विंडो। देयर आर 2 स्क्रॉल बार और उसके नेम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। केवल इतना सा आपको इसमें आंसर नंबर 3 के लिए टिक करना है। ठीक है, 2 लाइंस तो यहां तक स्टार्टिंग से लेकर यहां तक और 1 पॉइंट यहां पे बना देंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और 2nd पॉइंट वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, नाउ लास्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज ए बैक स्टेज व्यू इन एमएस वर्ड 2010। बैक स्टेज व्यू क्या होता है एमएस वर्ड 2010 में आपको बताना है। तो इसका आंसर मैंने पेज नंबर 50 पर टिक कर रखा है, तो आप पेज नंबर 50 यहाँ पर राइट करेंगे क्वेश्चन के बाद और पेज नंबर 50 ओपन कर वहां पर इसको हम टिक करेंगे। पेज नंबर 50 मैंने ओपन कर लिया है, आप ये जल्दी से ओपन करेंगे। लिखा है यहाँ पे आपको बैक स्टेज व्यू गिव्स यू वेरियस ऑप्शंस फॉर सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग एंड शेयरिंग योर फाइल्स। जब बैक स्टेज व्यू होता है उसका यूज हम फाइल्स को सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए और शेयर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट से लेकर बैक स्टेज से लेकर फाइल्स तक आंसर नंबर 4 के लिए टिक करना है। तो ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 5 के सारे क्वेश्चन हमने डबल से कर लिए, इसका रिवाइज भी कर लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी बुक कंप्लीट नहीं की थी वो अब इसको अच्छे से कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे आपके नेम और क्लास के साथ। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर आंसर्स ऑफ चैप्टर 5 यू हैव टू सेंड ऑल द पेजेस ऑफ माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।